मैं खालिद खान, सहबर्ण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शेरकोट नुपुर शर्मा के ऊपर कड़ी कार्यवाही को लेकर शहर इमाम ने सौंपा राष्ट्रपति के नाम थाना अध्यक्ष को ज्ञापन। आपको बता दें, आज शेरकोट में मुफ्ती मोहम्मद जकी एजाज खान, शहर इमाम जामा मस्जिद, काजी शमीम अब्दुल रऊफ ठेकेदार, मोहम्मद गुफरान राजा, अफसर खान, छोटे खान, हाजी याकूब आदि लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन शेरकोट थाना अध्यक्ष को सौंपा, जिसमें राष्ट्रपति महोदय से अपील की गई कि समस्त मानवता के मार्गदर्शक, शांति एवं सद्भावना के संदेशवाहक, ईश्वर के अंतिम दूत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आलीशान में गुस्ताखी करके भारतीय संविधान की मूल आत्मा का उल्लंघन कर धार्मिक उन्माद भड़काने का प्रयास करने वाली भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा एवं भाजपा नेता नवीन जिंदल के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की अपील की गई। कैमरामैन सैफ मंसूरी के साथ खालिद खान की रिपोर्ट। हमारे देश में एक प्रथा ये चली हुई है कि किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना या किसी धार्मिक ग्रंथ का या किसी धार्मिक हस्ती का इस तरह से मखौल उड़ाना कि जिससे किसी की भावनाएं आहत हों और हमारे संविधान की भी उसमें अवहेलना होती है, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए अभी पिछले दिनों जो दिल्ली के अंदर एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए एक नेत्री और उसी के एक नेता के द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और अपशब्द कहे गए, हम अपनी तरफ से, अपने नगरवासियों की तरफ से और बल्कि भारत के हर शांति प्रिय आदमी की तरफ से जो संविधान में आस्था रखता है और जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है उसकी तरफ से इसकी भरपूर निंदा करते हैं और हम अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और देश की जो न्यायिक प्रणाली है उससे इस बात की उम्मीद रखते हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर। हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफ वर्ल्ड न्यूज से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।